माता दुर्द भी सत्य ही कह रही थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया तो ये अचेता अवस्था में ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की बलि चढ़ा देगा। और फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष ही शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहाँ से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा। हे माता, आप तो स्वयं माता देवेश्वरी का अंश हैं। आप इस संकट से उबरने का कोई मार्ग दर्शाएं। कृपा करिए माता। पुत्र 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 माता, प्रतीत हो रहा है माता का स्वर मात्र मुझे ही सुनाई दे रहा है, अन्य किसी को नहीं। हाँ हनुमान, मात्र तुम ही मेरा स्वर सुन पा रहे हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। महीरावण महामायावी है, इसे मात्र महामाया ही रोक सकती है। मात्र महामाया अर्थात माता, माता, अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अवश्य ही मेरे पूजा कक्ष में कोई अन्य भी उपस्थित है। किसने यहां आने का दुस्साहस किया है? वो जो भी है मेरे सामने आए। ये मैं हूं पुत्र। माता महामाया, परम पवित्र मानवों की बलि चढ़ाना चाहते हो? हाँ माता। किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातःकाल की शुभ बेला की प्रतीक्षा करो, तभी तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ और द्वार बंद कर दो। क्या सोच रहे हो पुत्र? कक्ष से बाहर जाकर प्रतीक्षा करो, प्रातःकाल ही पुनः बलि प्रक्रिया आरंभ करना। तब तक पूजा कक्ष में किसी को भी प्रवेश मत करने देना। माता, मुझे ज्ञात है कि इन दो महामानव की बलि कोई साधारण बलि नहीं है,
परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि इन दोनों की बलि चढ़ाने से पूर्व मुझे सुफल प्राप्त होगा। सैकड़ों वर्षों से मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूं, परंतु आज आपका स्वर सुनकर मैं धन्य हो गया। माता, आपके आदेश का पूर्ण रूप से पालन होगा। प्रातःकाल ही इन दोनों की बलि चढ़ाई जाएगी। जय माता महामाया, माता की जय हो। हाँ, अब शीघ्र ही प्रभु की मूर्छा तोड़नी होगी। कोई और भी है कक्ष में। हे भगवान, यदि इसने हनुमान को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। संदेह तो नहीं हो गया इसे? कहीं सारा प्रयास व्यर्थ न हो जाए। क्षमा करें माता, आपकी उपस्थिति से संदेह में पड़ गया था मैं। प्रभु, प्रभु नेत्र खोलिए। प्रभु, प्रातःकाल होने में अधिक समय शेष नहीं है। प्रभु उठिए। प्रभु, उस राक्षस के आने के पूर्व ही हमें यहां से निकलना होगा। प्रभु अपने नेत्र खोलिए। दुर्दुभी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे कारण माता ने बलि चढ़ाने के लिए मुझे प्रातः काल तक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। ना ही तुम जल लाने में विलंब करती और ना ही अर्धरात्रि का उत्तम मुहूर्त निकल जाता और ना ही माता महामाया को उत्तम मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती। बोलो दुर्दुभी, बोलो, इस विलंब के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा ये मन तुम्हारे इस अपराध को स्वीकारता है। और इस अपराध का दंड है तुम्हारी मृत्यु। उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। प्रभु, आपके बिना यह हनुमान कैसे कुछ कर पाएगा? प्रभु उठिए, उठिए ना प्रभु।
प्रभु, आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया मैं। इस एक भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु। प्रभु अपने नेत्र खोलिए। एक बार जाग जाइए प्रभु, जिससे कि आपका ये अपराधी सेवक आप दोनों को अपने कांधों पर बिठाकर यहाँ से ले जा सके। प्रभु प्रभु उठिए, प्रभु उठ जाइए। इतने प्रयासों के पश्चात प्रभु और लक्ष्मण भैया की अचेता अवस्था तो टूट जानी चाहिए थी। ये सूत्र कैसा? पूर्व में तो कोई बंधन नहीं था प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के हाथों में। दुष्ट मही रावण ने माया के द्वारा इन्हें अचेत कर दिया है। अवश्य ही ये कोई मायावी बंधन है जिसके कारण गहन निद्रा में चले गए हैं दोनों। अच्छा, तो इस मायावी बंधन ने लक्ष्मण भैया और प्रभु के चारों ओर कोई मायावी आभा का सुरक्षा व्यूह बना रखा है। अभी खंडित करता हूँ इसे। अंतिम अवसर दे रहा हूँ, बताओ इस विलंब के द्वारा क्या षड्यंत्र तुमने रचा है? बोलो। तुम नहीं बताओगी तो मेरा निष्ठावान सेवक मकरध्वज तुम्हारे इस षड्यंत्र के बारे में अवश्य ही जानता होगा। वो मुझे बताएगा। और यदि तुमने कोई चतुराई की है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मकरध्वज, कहाँ हो तुम? मकरध्वज, मकरध्वज, मेरे समक्ष उपस्थित हो। मकरध्वज, आश्चर्य है, मेरे एक बार पुकारने पे प्रचंड वेग से आने वाला मकरध्वज आज मेरे बार बार पुकारने पे नहीं आया। मकरध्वज, क्या वो भी तुम्हारी भांति मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है? यदि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है तो प्रातः काल में दो बलियां नहीं और भी बलियां अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में, और तुम्हारे पति का शीश काट कर चढ़ाऊंगा, तुम्हारे पुत्र के रक्त से अभिषेक करूंगा माता महामाया का। सत्य क्या है मुझसे नहीं छुप सकता। षड्यंत्र, अन्यथा ये दुर्दुभी बिना जल्दी द्वार से क्यों लौट जाती है? Hey!
जब तक संपूर्ण सत्य मेरे सामने नहीं आता तब तक तुम यहां से हिल भी नहीं पाओगी। पाताल के महारक्षक महावीर मकरध्वज की ये दशा। मकरध्वज, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने ये किया तुम्हारे साथ? बोलो, तुमसे अधिक बलवान यहां कौन आ गया है? चुप क्यों हो मकरध्वज? बोलो, कौन है वो जो महापाताल के सातों तलों को पार करके यहां तक पहुंचा है, जिसने शिव तुला विफल करके महाअग्नि दानव महापाताल सेना हिम दृष्टि और महापंच धातु जैसे दानव को परास्त कर यहां तक आने का किसने दुस्साहस किया है? बोलो मकरध्वज, बोलो। और जो भी बोलना सत्य ही बोलना। आप स्वामी हैं मेरे, आपसे सत्य ही कहूंगा। वो कोई अन्य नहीं, मेरे पिताश्री। श्री राम दूत महाबली हनुमान। हनुमान, हे माता, मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को इस मायावी बंधन से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें। प्रणाम माता। इसे स्पर्श मत करना हनुमान। दुष्ट महीरावण ने इन दोनों के चहुओर ऐसा मायावी रक्षा कवच बना दिया है कि इसे स्पर्श करते ही इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद माता, जो आपने मुझे इस अनिष्ट से बचा लिया। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को यहाँ से बंधन मुक्त करके ले जाना चाहता हूँ, जबकि आपका भक्त महीरावण इनके रूप में साक्षात धर्म की बलि चढ़ाना चाहता है। माता, तुम्हें ज्ञात नहीं है हनुमान,
महीरावण भले ही भक्त है मेरा, किंतु उसके अत्याचार एवं दुराचारों से अर्जित किए हुए भोग प्रसादों के कारण मेरा यह मंदिर दूषित हो चुका था, जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और तुम्हारे पावन स्पर्श से अब पवित्र हो गया है। माता, ये पवित्रता प्रभु श्री राम के कारण ही है। हाँ हनुमान, दुष्ट महीरावण बार बार मेरी कठोर भक्ति करके मुझसे इच्छित वर प्राप्त करता रहा है, और विधि का विधान है कि तपस्या का फल देना ही पड़ता है हनुमान, किंतु अब महीरावण के पापों का घड़ा भर चुका है हनुमान। वही महाबली हनुमान जो सबको परास्त करके यहाँ तक आ पहुँचे हैं और मुझे भी इस विकट बंधन में बांधकर विवश कर दिया। नहीं, ये असंभव है। मेरे पिता महाबली संकट मोचन है। सबके संकटों का मोचन करने वाले, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब स्वयं उनके प्रभु श्री राम संकट में हो, तब तो उन्हें स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकते। किंतु इस समय कहां है ये वानर? मुझे बांधने के पश्चात वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए राजभवन की ओर, किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातः काल की शुभ वेला की प्रतीक्षा करो। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ। तो वो माता महामाया का स्वर नहीं था, उस मरकट के द्वारा किया हुआ छल था। हनुमान, नहीं! अब उसका अंत समय आ गया है, वो स्वयं ही मृत्यु के मुख की ओर चला रहा है। उसकी मृत्यु के पश्चात ही श्री राम एवं लक्ष्मण उसकी माया से मुक्त हो पाएंगे, और तभी तुम्हें यहाँ से ले जा सकोगे हनुमान। इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें उसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा माता। किंतु स्मरण रहे हनुमान, उस पर महादेव की भी विशेष कृपा है, अतः महादेव की पंचभूत आरती करके ललकारने वाला ही उसे मृत्यु देने में सक्षम हो सकता है। धन्यवाद माता। सावधान हो जाओ हनुमान, समय आ गया है उसके अंत का। विजयी भव। मात्र महादेव ही आ सकते हैं, फिर ये मरकट यहां तक कैसे आ गया? असंभव। मरकट होकर सिंह की माद में प्रवेश किया है तुमने।
और अब सिंह के मुंह में हाथ डालने का दुस्साहस कर बैठे। सिंह के मुंह से निवाला छीनना सहज नहीं होता हनुमान। सिंह नहीं, गीदड़ हो तुम भीरू, जो मेरे प्रभु श्री राम को अचेत करके छल से यहां ले आए। मेरे प्रभु श्री राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें अपने पापी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यहां पर लाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भूल तो तुमसे हुई है हनुमान, जो तुम यहां चले आए। और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रभु की भी बलि चढ़ेगी। सर्वप्रथम तुम्हारा रक्त अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल। स्वयं को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ति की जाती है। युद्ध नहीं, अब भोगोगे अपने कुकर्मों का फल। तुम्हें अपने माया लोक ले जाकर ही मारूंगा। महापाताल के सातों तलों को पार करके मेरे सारे महाबली राक्षसों का वध करके अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर समझ रहे हो ना? अब दिखाओ अपना बल यहाँ पर, जिसके लिए तुम्हें संपूर्ण संसार संकट मोचन महाबली हनुमान कहते हैं।
मैं यहां अपना बल दिखाने नहीं, अपने प्रभु एवं लक्ष्मण भैया को मुक्त कराने आया हूं, और उन्हें मुक्त कराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। महिरावण, रामदूत हनुमान को घुटनों के बल झुकाना इतना सहज नहीं है मूर्ख राक्षस। अब तुम्हें सत्य में ही धूल में मिटा देगी मेरी ये गदा। मुझे धूल में मिलाना तुम्हारे वश में नहीं है वानर। उसके लिए तुम्हें मेरी तरह तीव्रता चाहिए। ये तो चारों तरफ से आ रहा है। तीव्रता नहीं, तुम्हें मारने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। रामदूत हनुमान, तुम्हारे प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब
अवश्य ही इसकी मायावी प्राण शक्ति इसके शीश में है। मैं अभी इसकी प्राण शक्ति को नष्ट करता हूँ। इस बार से भी इसका अंत नहीं हुआ। इस महापाताल का महामायावी राजा महिरावण हूं मैं। मुझे आहत करना इतना सहज नहीं है। मेरे महाप्रेतो, पकड़ लो इस वानर को। मेरे इन राक्षसी प्रेतों की पकड़ से आज तक कोई नहीं छूट पाया। अब मैं बलि चढ़ाऊंगा उस राम की और उसके अनुज लक्ष्मण की। धर्म की शक्ति के समक्ष तुम्हारे इन मायावी प्रेतों की शक्ति तनिक भी नहीं चलेगी महिरावण। जय श्री राम। सर्वप्रथम तुम्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाना होगा। मृत्यु का समय तो तुम्हारा आ रहा है महिरावण। जब तक तुम्हारी मायावी शक्ति तुम्हें पुनः जीवन देगी तब तक मैं देवी महामाया के बताए अनुसार भोले बाबा की पंचभूत आरती संपन्न कर लूंगा महिरावण। आरती के लिए सबसे पहले मुझे शिवलिंग की व्यवस्था करनी होगी। कहां मिलेगा शिवलिंग? भोले बाबा तो कणकण में हैं। प्रणाम भोले बाबा। हे पंचभूत तत्वों के अधिष्ठाता, प्रभु श्री राम को बचाने के लिए मुझे भोलेनाथ बाबा की पंचभूत आरती करनी है। मेरी सहायता करें देवी देवताओं। हे पृथ्वी देवी, भूमि से पाप का बोझ उतारने के लिए मुझे भूमि तत्व प्रदान करने की कृपा करें। हे वायुदेव, पाप कर्मों से वातावरण प्रदूषित हो चुका है, जिसे शुद्ध करने के लिए मुझे वायु तत्व प्रदान करें। हे अग्निदेव, अधर्म को अग्नि में भस्म करने के लिए मुझे अग्नि तत्व प्रदान करें। हे वरुण देव,
अत्याचार एवं अनाचार से अपवित्र हुए जल को पवित्र करने के लिए मुझे स्वच्छ जल प्रदान करें। हे इंद्रदेव, राक्षसों के अत्याचारों के कारण राहिमाम एवं चित्कारों की ध्वनि से आकाश में प्रसारित होने वाला नाग तत्व प्रदूषित होता रहता है, अतः इन राक्षसों के अंत के लिए ब्रह्मांड में प्रसारित होने वाला ब्रह्मनाद तत्व प्रदान करें। मुझे पंच तत्व प्रदान करने के लिए आप सब देवताओं को धन्यवाद। महिरावण वध मरम जो जाने, देवों को हनुमत आवाने। पंच तत्व शिव आरती लाए, ओम अनल भूजल वायु पाए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ॐ नागेन्द्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय। ॐ नमः शिवाय। तो वानर को ज्ञात हो ही गया कि मेरे वध के लिए पंचभूत आरती आवश्यक है, परंतु और भी कुछ है जो इसे ज्ञात नहीं है। इसकी पंचभूत आरती पूर्ण होने से पूर्व मैं पृथ्वी से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी को तो मैं बाल्यावस्था से ही इस प्रकार खोद कर निकलता हूँ, जैसे जल की लहरों को भेदता हुआ कोई निकल जाता है। पूजा का फल पूजा करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। जिसकी जैसी भावना वैसा फल।